मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अजान विवाद पर सिंगर सोनू निगम और बंगाल यूनाइटेड माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट सईद शाह आतिफ अली अल कादरी के बीच फतवे को लेकर हुई बहस अब नया रूप ले चुकी है। इनकी बहस में अब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी कूद पड़े हैं। जी हां, दरअसल सोनू निगम के अजान विवाद पर बहस के लिए एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में अभिजीत भट्टाचार्य और मौलाना कादरी को बुलाया गया, लेकिन शो के दौरान बहस इस कदर गर्मा गई कि अभिजीत बीच में ही शो छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि बहस के दौरान मौलाना कादरी ने अभिजीत को लेकर कई विवादित बातें बोली और उन्हें काफी अपशब्द भी कहे। इतना ही नहीं, मौलाना ने अभिजीत को अपनी हद में रहने की नसीहत तक दे डाली। अभिजीत भट्टाचार्य को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई और वो शो छोड़कर चले गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब बहस के दौरान मौलाना कादरी ने सोनू निगम को देश के लिए कलंक बताया। इतना सुनते ही शो के एंकर आपे से बाहर हो गए और उन्होंने जमकर कादरी को लताड़ लगाई। आपको बता दें कि सोनू निगम ने हाल ही में मस्जिद में होने वाली अजान को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब बुरा भला कहा और ट्रोल किया। ये विवाद तब और गहरा हो गया जब मौलाना कादरी ने फतवा जारी करते हुए कहा, जो भी सोनू निगम का मुंडन कर और जूते की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवा लिया और कहा कि उनकी बात का बतंगड़ बनाया गया है। इसके बाद मौलवी ने कहा कि अभी मेरी एक शर्त पूरी हुई है, 10 लाख रुपए इनाम तभी दिए जाएंगे जब फटे जूतों की माला पहनाकर पूरे देश में सोनू को घुमाया जाएगा। वहीं सोनू निगम के खिलाफ औरंगाबाद के बाद अब पानीपत में भी इस विवाद पर शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।